ये वाला घास यहाँ पे डालना है। पहले ये वाला रखा हुआ था तो ये उठा उठा के नीचे फेंक देती हैं, तो इसकी वजह से ये देखें एक अंडा टूटा हुआ है और बाकी भी इस तरह तोड़ देती हैं। तो अब ये उठा के एक दो और तीन, इन तीनों में फेंकना है। एक अंडा और चार अंडे, इनको दो अंडों को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, दो वहाँ और एक वहाँ। अब मुर्गियों को पता चलेगा कि ये वाली भी नेस्टिंग है, यहाँ वो कम ही आती हैं, एक दो यहाँ पे अंडे देती हैं तो वहाँ भी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और ये पहला कमरा है, यहाँ से भी सफाई करनी है। मेरे साथ अली और अहमद दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ से सफाई करने के बाद फिर दूसरे सारे कमरे एक एक करके इंशाल्लाह सुकून के साथ साफ करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला जो कमरा था ये साफ हो चुका है, सिर्फ पर्दे रह गए हैं एक, और यहाँ पे पर्दे ला के लगाने हैं जो तैयार होने के लिए किए हुए हैं इस तरफ। हाँ जी लड़को, क्या हो रहा है? काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, तुम्हें क्या हुआ था? यहाँ क्या लगा था? सुना मैंने तुम्हें करंट लग गया यहाँ से। करंट लगे कैसे? मैं स्विच लगा रहा था बीच में, मुझे नहीं पता था ऑन है। अच्छा, मैं जैसे स्विच लगाने लगा करंट पड़ा। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा कैसा मतलब? अच्छा मतलब अच्छा, उसको करंट लगे। ये वाला जो स्विच है ये भी ऑन है, ऊपर की तरफ ऑन है, नीचे की तरफ ऑफ हो जाता है, तो इसको पता नहीं था इसने लगाया तो इसको करंट लग गया। अभी तैयार कर रहा, बस ये दूसरा कमरा भी हमारा तैयार हो चुका है, इसके बाद हमने मेन बेडरूम में जाना, उसको साफ करके उसमें कारपेट डालनी है। हम अभी मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो जो फालतू छलियाँ पड़ी हुई थी घर में वो हम साथ ले गए थे। कितनी थी? आठ। आठ छलियाँ थी, तो सारी छलियों के दाने बनवाए हमने, उधर ही दाने निकाले और ये दाने बनवा के सब ने जेब भर लिए थे। तो मेरी जेब में भी थोड़े से, मैं आराम से खा रहा था। तुम्हारे किधर है? इसने सारे खा लिए हैं। और तुम्हारे? खा लिए। इसने भी सारे खा लिए हैं। ये कहते हैं कि हमने सुबह नाश्ता ही नहीं किया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और अभी अभी भूख लगी है? हाँ जी। अभी भी इनको भूख लगी हुई है, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये वाला बेडरूम रह गया है, इस बेडरूम को साफ करने के बाद यहाँ पे सिर्फ कारपेट डालनी है, ये भी सारी करनी है, और फिर उसके बाद कारपेट डालनी है जी। तो कारपेट डालने के बाद खाना खाना है, पहले खाना खाना है बाद में, मतलब अभी पेट फुल हो गया है इनका, अभी दाना खाने से पेट फुल हो गया है और इसलिए कह रहे हैं, वरना ये इतनी देर से कह रहे थे भाई नाश्ता नहीं किया, भूख लगी है। तो अभी फिर सोच लो कारपेट डालने के बाद, कारपेट डालने के बाद ना डन हो गया, कारपेट डालने के बाद हम खाना खाएंगे। आज हम वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, कमरे साफ हो चुके थे तो उसके बाद कारपेट डालनी थी, लेकिन उसके बाद एक यूट्यूबर भाई थे वो आ गए थे, उन्होंने यहाँ की वीडियो बनानी थी, मेरे बर्ड्स दिखाने थे और मेरा इंटरव्यू लेना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। अब वहाँ से फारिग हुआ हूँ तो अभी ये ऊपर लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह पहले ये बिछाना है और उसके बाद कारपेट बिछाना है। ये दोनों चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, स्मार्ट बॉन्ड, कैंची, वो चीज़ें अभी नहीं लाए, तो वो भी अभी जाके जल्दी से जल्दी से लानी है, और उसके बाद फिर ये छोटा सा कमरा इतना बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह आधे घंटे तक हो जाएगा। क्या करना है? बिछाना है इसको। बिछाना नहीं होता, बिछाना होता है। क्या? बिछाना। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? नीचे बिछाना। नीचे बिछाना, तुमने कहा है नीचे बिछाना है। तो खैर हमारे सारे औजार आ चुके हैं, स्मार्ट बॉन्ड, हथौड़ी, छुरी और कैंची। बॉम नहीं बनाना, कारपेट को लगाना है। तो पहले क्या करना है? पहले कारपेट इसको सीधा करना है। इसको सीधा करके क्या करना है? इसको नीचे बिछाना है। नीचे बिछाना है, गुड। अलहमदुलिल्लाह से हमारे जो
फॉर्म है वो डल गया है फर्श पे। अभी हमने कार्पेट काट के फॉर्म के ऊपर डाल लिए। कैसा? अभी तो हमारे लड़के भी मुझे देख देख के व्लॉगिंग शुरू कर दी है। मैंने अभी मोबाइल उठाया ही था तो इसने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह से, जब इतना इसने कहा है मैंने कहा ये वाली लाइनें अब तुम बोलो। और ये वाला भी बोलता है कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सारी। अच्छा सारी, क्या सारी? फॉर्म डल गया जी हमारा, कारपेट है उसको भी हम ट्राई करते हैं, अपनी फुल कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उसको डालें। हमारा अच्छा भला काम हो चुका था, हमारी आधी कारपेट लग चुकी थी कि स्मार्ट बॉन्ड खत्म हो गया। तो अब मैंने अली को भेजा हुआ है वो स्मार्ट बॉन्ड लेके आते हैं, और अहमद के भेजा हुआ पीने के लिए पानी लेके आ रहा है, वो वापस दोनों आते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा ये काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आधे घंटे या एक घंटे तक हम इस काम को ख़त्म कर देंगे। जो कारपेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी डल गई है और साइडें भी सारी क्लियर हो गई हैं। यहाँ से थोड़ी सी रह गई है ये वाला एरिया मेरे पास जो थी वो स्मार्ट बॉन्ड ख़त्म हो गई थी, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा एरिया वो रह गया। अब ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो अहमद ने और मैंने क्या करना है कि अभी ये साफ़ करनी है, यहाँ से इस तरफ लगानी है और इसको बिल्कुल साफ कर देना है। कुछ धागे इतने सख्त लगे हुए हैं कलीन के साथ कि वैक्यूम से भी नहीं उतर रहे, तो जो धागे उतर नहीं रहे या जो चीज़ें नहीं उतर रही वो अहमद हाथों से उतार रहे हैं, उसके बाद ये सारी सफाई हो रही है। लेकिन कुछ दाग ऐसे हैं जो स्मार्ट बॉन्ड के लगे थे, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले ये। तो अब इनका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे उतरेंगे, कुछ इस तरफ भी लगे हुए हैं, बाकी इस तरफ से पूरी सफाई हो गई है, और कुछ रह गई है तो वो भी करते हैं। और फिर उसके बाद सफाई करने के बाद इस कमरे को ऐसे हम बंद कर देंगे, यहाँ किसी ने आना तो है नहीं, पर्दे आएंगे वो लगाएंगे, तो इसके बाद ये कमरा तैयार है, फिर इसके बाद इसमें सामान रख लेंगे। अली मुझे और अहमद को आधे काम भी छोड़ के भाग गया, मतलब उसने हमें धोखा दे दिया। तो खैर मैंने और अहमद ने मिलके बाकी सारा काम किया ख़त्म, उसके बाद सफाइयाँ की, और सफाइयाँ करने के फ़ौरन बाद ही हम दुकान पे भाग गए थे क्योंकि हमने देखना था पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच। तो वो मैच देख के अभी भी मैं घर आया हूँ, और रात इस वक्त खैर काफ़ी हो चुकी है, तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। आपके साथ मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।